हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आज मैं अभिनोद ब्रांड का 3 पीस कुकवेयर जो सेट है उसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट देख सकते हैं ये अभिनोद ब्रांड का 3 पीसेस कुकवेयर सेट है और इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 2100, लेकिन ऑफर में मुझे ओनली 1700 में मिला है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो इसका जो 3 पीस आता है उसमें आपको मिलेगा एक सॉस पैन, एक कढ़ाई विद लीड और एक फ्लाइंग पैन। तो फर्स्ट देख सकते हैं ये एक सॉस पैन है और सबका हैंडल्स जो है वो सिलिकॉन हैंडल्स है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। और सबका जो मिरर फिनिश में भी आता है और इसका जो बॉटम है वो सैंडविच बॉटम आता है, जैसे कि जब सब जानते होंगे कि स्टेनलेस स्टील, फिर एल्युमिनियम और फिर स्टील, ऐसा ही वो बॉटम आता है जो कि आप इसको गैस और इंडक्शन ओवन दोनों में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो भिनोद का मेरा जो और भी 4 पीसेस सेट है उसका भी वीडियो मेरा चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और भिनोद ब्रांड का मैं बहुत सालों से यूज भी कर रही हूँ, वो काफी अच्छा है, कुछ भी मुझे अभी तक कंप्लेन नहीं आया है। तो सॉस पैन आप देख सकते हैं काफी अच्छा साइज में ब्रॉड है और अच्छे से ये दिख भी रहा है और पूरा मिरर फिनिश में है। और ये 18 सेंटीमीटर का आता है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं एक फ्राई पैन है, इसका भी हैंडल काफी अच्छा लुक है और सेम ये सैंडविच बॉटम वाला ही है और मिरर फिनिश, और सब में आपको 2 इयर्स का वारंटी भी आता है। तो ये वाला जो है वो ये 16 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और नेक्स्ट देख सकते हैं आपको इस कढ़ाई के साथ एक लीड मिल जाता है और पकड़ने के भी लिए आपको देख सकते हैं इस तरह का सिलिकॉन का जो एक कैप दिया जाता है जो कि आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ये पकड़ सकते हैं, कभी भी गर्म नहीं होता है। कढ़ाई भी काफी अच्छा साइज में दिया हुआ है, कढ़ाई जो है वो 24 सेंटीमीटर का है विथ, और सेम बटन जो दिया है वो ही है, सैंडविच बटन वाला ही है और पूरा मिरर फिनिश में ऐसा आ रहा है। और हैंडल जो है वो काफी की है एकदम अच्छे से और इसका डिजाइन मैंने आपको पकड़ने में काफी आसानी होगा। तो मैंने इसको बाद में यूज भी किया है, देख मेरा काफी अच्छा चल रहा है, आप लोग भी इसको वो जरूर खरीद सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए मैं इसको इंडक्शन ओवन में यूज कर रही हूँ, काफी अच्छे से दूध इसको उबल रहा है और गैस में तो ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा। अगर मेरे वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।